तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अब जो है महाभारत के लिए चुनावी रण बन चुका है और महाभारत का अब जो पल रहा है वो एक तरफ से बदल चुका है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद अब राज्यपाल से मिलने के बाद साफ तौर पर कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। ये एकदम बिल्कुल करेक्ट जानकारी निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास नंबर नहीं है और यहां पर अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी खबर अब तक की निकल कर आ रही है। बीजेपी ने राज्यपाल को बताया कि अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं। शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको कहीं ना कहीं बहुमत मिला, लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन है लगभग टूट चुका है। ऐसे में वो सरकार नहीं बना रहे हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अब क्या होगा, कौन बनाएगा सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से भी बयान जारी किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो बयान जारी किया है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, उसके तुरंत बाद यहाँ पर शिवसेना ने सरकार बनाने का संकेत दे दिया है। लेकिन किसके साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो उनके पास भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर संजय राउत का कहना है कि हर कीमत पर सीएम हमारा ही होगा। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद हमारा ही होगा, ऐसी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन है वो टूट चुका है। 50-50 की फॉर्मूले पर शिवसेना अड़ी हुई थी, लेकिन शिवसेना की बात अब बीजेपी ने नहीं मानी है। तो कहना होगा कि जो लास्ट मोमेंट का इंतजार शिवसेना कर रही होगी, बहुत बड़ा झटका लगा होगा। कहीं ना कहीं जो शिवसेना चाहती थी कि आखिरी वक्त पर कहीं ना कहीं बीजेपी मान जाएगी और 2.5 साल के लिए सीएम पद का जो उम्मीदवार यहां पर आदित्य ठाकरे बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीएम बन जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो शिवसेना को बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। इसके अलावा अगर शिवसेना अगर बात करें तो एनसीपी कांग्रेस के दम पर यहाँ पर फूल रही होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीपी कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास नंबर नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन के काफी करीब है महाराष्ट्र, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों एनसीपी कांग्रेस ने साफ रुख किया है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम भी सरकार बनाने में असमर्थ हैं और विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर शिवसेना को बहुत बड़ा झटका होगा अगर एनसीपी कांग्रेस यहाँ पर शिवसेना को समर्थन नहीं देती है। तो शिवसेना ना घर की ना घाट की, क्योंकि बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन को निभाया नहीं है यहाँ पर शिवसेना ने, और आखिरी वक्त का इंतजार करती रही और यहाँ पर बीजेपी ने साफ किया है कि हम अब सरकार नहीं बनाएंगे। तो शिवसेना को अब न्योता मिल सकता है सरकार बनाने के लिए, या जो बड़ी पार्टी यहाँ पर जो यहाँ पर गठबंधन है एनसीपी कांग्रेस, जो एक बड़ा गठबंधन होगा क्योंकि 98 सीटों का गठबंधन है, क्या उसको यहाँ पर राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे या शिवसेना को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मौजूदा स्थिति आपको दिखाएं तो यहाँ पर 56 विधायक जो है शिवसेना के, 54 एनसीपी और 44 यहाँ पर कांग्रेस के, ये मिलकर सरकार तो बना सकते हैं। लेकिन अब तक ठोस बयान यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी का नहीं आया कि वो शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे। ऐसे में हुंकार भर रही शिवसेना आखिर कैसे बनाएगी सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए शिवसेना के पास भी यहाँ पर नंबर नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास, ना ही एनसीपी के पास और ना ही यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के पास। ऐसे में राष्ट्रपति शासन के काफी करीब महाराष्ट्र है और एक बार फिर से आदित्य ठाकरे के जो है यहाँ पर बैनर लग चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर कि वो ही बनेंगे सीएम महाराष्ट्र के। एक काफी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा या विपक्ष आपस में मिलकर एक सरकार बनाएंगे? जो यहाँ पर तय नहीं हुआ था, तय हुआ था कि बीजेपी प्लस शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन, लेकिन कुछ विपरीत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।